उसमें काफी रिडक्शन रहा और उसी श्रृंखला में मध्य जिला के अंदर भी काम शुरू हुआ है। तो सर अब रिक्वेस्ट है सर, अगर आप लोगों से अपने विचार साझा करें। मैं सबसे पहले आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में मेरा आज प्यार से स्वागत किया। आप में से कुछ लोगों से मैं ऑफिस में भी मुलाकात किया, कुछ लोग आए थे मिलने के लिए, कुछ लोग से आज पहले बार मुलाकात हो रहे हैं। बट मैं जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की एमएनसीटी है और जो यहाँ के लोगों का पुलिस के साथ सहयोग है, इसके बारे में मैं काफ़ी सुना हूँ। इसकी चर्चा दिल्ली पुलिस के बाकी सभी जिलों में होती है कि सेंट्रल एक ऐसा जिला है जहाँ पे कि लोग पुलिस का बड़ा साथ देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब आगे मुझे इसका दुरुस्त नमूना देखने को मिलेगा कि आप लोग सब अच्छा सहयोग पुलिस का करेंगे। आज जो इमीडिएट इस मीटिंग का रखने का जो कारण है वो शबे बरात का त्यौहार है, बट मैं तो ये कहूँगा कि ये एक बहाना है मीटिंग करने का, क्योंकि आप सब जो अमन कमेटी के मेंबर हैं आप सबको पता है कि इस त्यौहार में या आगे जो भी त्यौहार आएंगे उसमें क्या एक्सपेक्टेड है, किस तरह से करना है, क्या पुलिस का क्या सहयोग आपको मिलेगा, आपका क्या सहयोग पुलिस को चाहिए होता है, ये सब आपको ऑलरेडी पता है। तो ये जो त्यौहार, ये सब जो त्यौहार होते हैं, बहाना है कि मिलने का कि हमने मीटिंग रखा, बातचीत किया। बट जो मेरा जो कंसर्न है, जो मेन कंसर्न है वो ये है कि आप सब तो समझदार लोग हैं, इसीलिए आप हमारा अमन कमेटी के मेंबर हैं। बट जो लोग एक्चुअल में समझदार नहीं हैं, जो प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं, जिनके मन में कुछ अलग तरह के भावनाएं हैं, वो इस कमरे में नहीं है, वो इन कमेटी के पार्ट नहीं है। हमारा मेन कंसर्न होना चाहिए कि उस तरह के लोगों को हम कैसे कंट्रोल करके रखेंगे, इसमें आप सबका मेन रोल है। जो हमारे अमन कमेटी के मेंबर हैं आप सब बिना वर्दी के बेसिकली पुलिस वाले हैं, आपको इंश्योर करना है कि आपके अपने एरिया में अगर कोई रूमर फैला रहा है, कोई किस तरह का अफवाह फैला रहा है, कोई वहाँ पर कोई विवाद क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, कोई लोगों में मतभेद डालने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें आप लोग का मेन रोल रहना चाहिए कि आप ऐसा ना करने दें, आप उसको तुरंत हमारे रोक। आज के टाइम में इतना ज़्यादा सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम का जमाना है, कहीं का वीडियो भी डाल के कुछ भी लिख देते हैं कि ये शायद, चाहे वो हमारे मुल्क का वीडियो ना हो, कहीं पड़ोसी मुल्क का वीडियो हो उसका भी डाल के लिख देंगे, अच्छा ये तो यहाँ पे हुआ था, आसफ अली रोड पे हुआ है, ये देखिए तुर्कमान गेट पे ऐसा हुआ है, जबकि वो वीडियो हो सकता है किसी और देश का। तो एक तरह का रूमर फैलाना, और जो हमारे जो लोग और वो इतना फास्ट करते हैं, पहले भी शरारती तक होते थे बट उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता था अपना शरारत करना, अब उनका मेहनत कम हो गया है और आप लोग का मेहनत बढ़ गया है उसको लोगों को समझाने के लिए कि ये चीज़ गलत है। तुरंत फैल सकता है रूमर, तुरंत फैलता है, लोग बिना सोचे समझे फॉरवर्ड किए जाते हैं, जो भी उनके पास आया वो सोचते नहीं कि ये चीज़ सही है गलत है, क्या इसके बारे में आपने किसी से पूछा कि ये चीज़ सही है। तो आप लोग सबका मेन रोल बनता है इस तरह की चीज़ जब नोटिस में आए तो आपको उसको तुरंत काउंटर करना है, क्या इसके बारे में पहले पता तो कर लें कि क्या है, कि सही है गलत है, इसमें क्या कार्रवाई हुई है क्या नहीं है, या हमारे जगह का वीडियो भी है, हमारे जगह की कहानी भी है नहीं है, तो ये सब चीज़ आपको ध्यान देना है कि इसमें अफवाह वगैरह ना फैले। और स्पेसिफिकली शिबे बरात के लिए विवाद कई बार कहा गया है, और ये जो बाइक पे स्टंट करना, ट्रिपल राइडिंग करना, इन चीज़ों से आप सब को पता है कि बहुत नुकसान हो सकता है। बताया इस तरह एक्सीडेंट में मृत्यु भी हो गई दो बच्चों की, तो ये जिनके साथ होता है उसको पता होता है, परिवार को पता होता है कितना ज़्यादा इस चीज़ का दुख होता है जब कोई नौजवान परिवार का इस तरह हादसे में मर जाए।
तो हमारा इसीलिए शक्ति रहेगा। त्योहार के दिन हम भी नहीं चाहते हैं कि किसी को पकड़ के उनका मोटरसाइकिल बंद कर दें या किसी के कोई चलान करें, बट अगर इस तरह का चीज कंट्रोल करना है तो उसमें हमें सख्त रहना पड़ेगा। और जो हम बाइक वगैरह बंद करेंगे, मैं तो बता रहा हूँ 15-20 दिन नहीं छोड़ेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप पहले ही इंडिया में लोगों को बताएं कि भाई अपने जो नौजवान हैं उनको ना दें। ये कोई रिलीजियस चीज़ तो है नहीं, ये बाइक चलाना स्टंट करना उसका इस त्यौहार से कोई लेना देना नहीं। जो इस त्यौहार में इबादत करना है उसको हम पूरी तरह से फैसिलिटेट करेंगे, उसमें हम आपके साथ हैं, उसमें हम आपको आपके मस्जिदों के काम पर हमारे काम आज मान मिलेगा, हमारे लोग आपका सहयोग करेंगे। जहाँ पे जो जहाँ पे हमें सख्त रहना है वहाँ पे हमें सख्त भी रहना। तो यही आपको क्या पता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया आप सब भी बिना वर्दी के पुलिस वाले ही हैं, तो आपको भी यही रवैया अपनाना पड़ेगा कि जहाँ हम फैसिलिटेट कर रहे हैं वहाँ फैसिलिटेट कर रहे हैं, बट जहाँ हमें सख्ती करना है अपनों के साथ सख्ती भी करना है। भाई तुम ये काम कैसे कर रहे हो जब बताया गया था। और एक इसका अच्छा मैसेज देने के लिए कल फ्राइडे है, तो फ्राइडे प्रेयर्स के दौरान मैसेज जरूर आप सब अपने इलाके में दिलवाएँ कि इस चीज़ का देखिए पुलिस का भी सख्ती रहेगा, अपने तरफ से भी ये चीज़ को अवॉइड करें ताकि एक अच्छे से त्यौहार जाए। ये तो एक त्यौहार है, आगे और भी त्यौहार आएंगे, हर त्यौहार में अपना चीज होता है। होली आएगा, हो सकता है कोई यंग लड़के हैं वो किसी पर रंग डाल दें जो होली नहीं मनाते, ये उनको ही मना करना है शरारत करने से। और अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है तो उसको कंटेन करना है कि ऐसा ना हो कि उसका कोई बड़ा इशू क्रिएट हो जाए। जो जो लोग बेवकूफ़ी में इस तरह काम कर रहे हैं या जो लोग जानबूझ के इस तरह काम कर रहे हैं भड़काने के लिए, ये आप सब समझदार लोग हैं, आपका काम है कि उस चीज़ को साइड करके उसको कंटेन कर लिया जाए, ना कि उसका कोई बड़ा इशू हो। तो मैं मुझे पूरा उम्मीद है, मुझे भरोसा है कि आप सब हमारा पूरा सहयोग करेंगे। और जैसे आप लोगों ने मेरे सारे प्रेडिसेसर्स का जो मेरे पहले भी रहे हैं उन सब ने भी आप कहा है कि किस तरह से आप सब सहयोग करते हैं, मुझे उम्मीद है कि मुझे भी आप सबका पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। एक और त्यौहार आने वाला है जो मैं मानता हूँ कि इन सब त्यौहारों से बहुत बड़ा त्यौहार है, और लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार है, वह है चुनाव। अब वो भी जल्दी किसी भी दिन ऐलान हो जाएंगे चुनाव के डेट्स का। अब चुनाव एक ऐसा समय है जब कई लोग अपने राजनीति करने के लिए सही गलत किसी चीज़ें भी कहते हैं, लोगों को गुमराह भी करने की कोशिश करते हैं, और लोग भी समझदार हैं, लोग भी सब चीज़ों को समझते हैं। तो उस टाइम में भी आप सबका इम्पोर्टेंट रोल रहेगा कि किसी भी तरह का कोई रूमर मॉन्गरिंग या कोई और भी अगर कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ें होती हैं तो सबसे पहले आप हमसे उस चीज़ के बारे में बात कीजिए, हमें सूचना कीजिए, कन्फर्म कीजिए, ताकि हम इसको मिलजुल कर एक अच्छी तरीके से इन सब चीज़ों को निपटा सकें। बाकी मुझे पता है कि आप सबके पास हमारा मोबाइल नंबर वगैरह भी सारे हैं, तो कभी भी आपको कुछ चीज़ लगता है कि नोटिस मिलाना है, कुछ बताना है, तो आप ज़रूर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि बहुत बार फ़ोन उठाना संभव ना हो जैसे लोगों से मिल रहे हो, बट आप अगर व्हाट्सएप करेंगे तो मैं उसके जरूर देख लेता हूँ कभी ना कभी शाम तक, और उसमें जो भी कार्रवाई होना है तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप सब जुड़े रहें। और मैं एक बार से फिर से आप सबका धन्यवाद करता हूँ यहाँ आने के लिए, उम्मीद करता हूँ कि आप भाई बहुत टाइम से दिल्ली पुलिस की पहचान रही है। जय हिंद, बारे तक आवाज जानी चाहिए, पता लगे कि फिर से हम ताकत हो। जय हिंद, तब से ले लो।